तो क्या हाल चाल है? अच्छा, एक बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा था काफ़ी सारे लोगों का कि टीबीए जो ट्रैकिंग है उनकी वर्क नहीं कर रही है, आपकी कैसे वर्क कर रही है? ठीक है, तो मुझे तो अभी तक इशू नहीं आया था, लेकिन कल मुझे इशू देखने को मिला, लेकिन मेरे ऑर्डर डिलीवर थे, लेकिन कुछ ट्रैकिंग के ऊपर अमेज़ोन ने इशू किया था, नो डिलीवर, इवन के वो लेट शिपमेंट के अंदर गए हुए थे। ठीक है, तो जो मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी मेरे तकरीबन 99% ऑर्डर ओके जा रहे हैं, ये देख लें आप। अमेज़ोन लॉजिस्टिक्स है तो ये देख लें, इसका ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर किस तारीख को आया है, 29 को ये आया है, इस टाइम ये डिलीवर शो हो रहा है, कोई मसला नहीं है। यूएसपीएस है, यूएसपीएस है, ये भी अमेज़ॉन लॉजिस्टिक्स का है। ठीक है, ये 30 तारीख का ऑर्डर है, ये भी अमेज़ॉन लॉजिस्टिक्स है, 30 तारीख का ऑर्डर है, ये भी 30 का है, ये भी 30 का है। ठीक है, इसके नीचे भी सारे ऑर्डर ज़्यादातर अमेज़ॉन लॉजिस्टिक्स के ही हैं, यूएसपीएस के कम ही हैं। ठीक है, ये ऊपर हैं यूएसपीएस के, ये इनका कुछ कुछ इशू था तो मैंने ट्रैकिंग बाय की थी, तो इन पे इशू आया था, इनमें से कुछ में आया था, बाकी यूएसपीएस की अमेज़ोन ने दी हैं। तकरीबन 10% पे मुझे कल फर्स्ट टाइम इशू देखने को मिला है। पहले तो मैं समझ रहा था लोग कोई गलती कर रहे हैं, इस वजह से मुझे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ ठीक से कर नहीं रहे। तो जो मैंने ऑब्जर्व किया मैं आपको वो बताता हूँ। बाकी बाय द वे, आज ऑलमोस्ट चौथा दिन है, वी आर गेटिंग आउट ऑफ स्टॉक, वी आर रीच्ड आवर लिमिट प्रॉपरली। ओके, तो एक और क्वेश्चन है जो लोग मेरे से काफ़ी पूछ रहे हैं कि आप यूएसए के अकाउंट हैंडल कर रहे हैं फिलहाल? नहीं ब्रदर, मैं बिल्कुल नहीं हैंडल कर रहा, फिलहाल नहीं कर रहा, इंशाल्लाह इन फ्यूचर करूँगा। एक्चुअली आरआरडी फैज़ भाई के नाम से क्लाइंट है मेरे, मे भी वीडियो देख भी लें, तो उनका भी अकाउंट पकड़ा है, उसके ऊपर ऑर्डर नहीं आ रहे। देखिए, मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन एक क्लाइंट, एक अकाउंट मेरा भी ऐसा है जिसके ऊपर ऑर्डर नहीं आ रहे। ठीक है ना, अब आप मुझे प्रो हूँ नहीं, मैं भी इन लर्निंग फेज़ हूँ, टेस्टिंग है, उसके ऊपर क्यों नहीं ऑर्डर आ रहे, वो टेस्टिंग चल रही है, इंशाल्लाह जैसे उसका कुछ समझ आएगी बताएंगे। इवन के जितने मेरे 4 से 5 अकाउंट है, सबकी विनिंग्स प्रोडक्ट मैंने उस अकाउंट के ऊपर लगाई हुई है, उसके बावजूद 0। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं पर्सनली भी उसको टाइम नहीं दे पा रहा। चलिए टाइम मुद्दे पे आते हैं, ये अमेज़ॉन लॉजिस्टिक्स का है, इसका जो मुझे इशू नज़र आया वो ये है कि हम इधर आते हैं, ये रहा ये वाली ट्रैकिंग हमें। ठीक है, अच्छा, एक तो अमेज़ॉन जो आपकी ट्रैकिंग शिप करते हैं ना, मार्केट शिप करता है, आफ्टर शिप नहीं करता है अमेज़ॉन ट्रैकिंग, जो अमेज़ॉन वाली ट्रैकिंग होती है टिकटॉक, इसको आफ्टर शिप मार्केट शिप नहीं करता। ठीक है, ये यहाँ तक वेटिंग फॉर कलेक्शन के अंदर आ रही होती है टिकटॉक शॉप के अंदर। अब जो आप ट्रैकिंग जो लगाते हैं ना, वो अगर आप आउट फॉर डिलीवरी से पहले पहले ट्रैकिंग लगा देंगे, जैसे उसका स्टेटस चेंज होगा आउट फॉर डिलीवरी का, वो साथ ही आपका वेटिंग फॉर कलेक्शन से निकल के इन ट्रांजिट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, मे बी ये भी गलत हो, 3 4 5 6 ऑर्डर, 5 6 तकरीबन ऑर्डर्स का मैंने ऑब्जर्व किया था, मेरे से गलती हुई थी, ट्रैकिंग मेरे से लेट लगी है, तो मैंने इसकी ट्रैकिंग ऑलरेडी लगा दी है। ये आउट ऑफ डिलीवरी जैसे ही जाएगा, इसका मुझे मार्कर्स इन ट्रांजिट आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसके बाद ट्रैकिंग लगाते हैं तब इशू कर रहा है, इवन के आफ्टर डिलीवरी के भी 3 से 4 दिन बाद उसको अपडेट कर रहा है अमेज़ॉन, लेकिन अपडेट अमेज़ॉन बोल रहा हूँ, सॉरी यार, टिकटॉक शॉप उसको अपडेट कर रही है। ठीक है, ये नहीं है कि बिल्कुल ये अपडेट नहीं कर रही, ऑटो कलेक्शन कैंसिलेशन में जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है, आपने ट्रैकिंग एज सुन एज पॉसिबल लगा देनी है टिकटॉक पे। बाकी आपको पता है प्राइम सेलर की ट्रैकिंग विद इन 24 आवर्स आ जाती है, अगर उसका स्टॉक अमेज़ॉन के ऊपर लाइव पड़ा हो। इवन के कुछ प्राइम होते हैं उनका स्टॉक अभी अमेज़ॉन पर लाइव नहीं होता, उनकी शिप डेट काफ़ी ज़्यादा आगे शो हो रही होती है, आपने वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, और कुछ लोग ड्रॉप शिपिंग करने में जल्दबाजी कर रहे हैं, अपना शिपिंग टेम्पलेट सेट नहीं कर रहे, बाद में मुझे मैसेज कर रहे हैं, ब्रदर अब मैं क्या करूँ, मेरा तो शिपिंग टेम्पलेट लग रहा है। भाई तो हम्बल से काम करें, सबसे पहले अपना जो काम है आप शिपिंग टेम्पलेट चेंज करें, एंड देन आप स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग धड़ाधड़ स्टार्ट ना कर दें, कम से कम पहले टेम्पलेट तो अपना सेट कर लेना, बाकी चीज़ें तो बात की हैं। फर्स्ट स्टेप आप भूल जाते हैं, अगले स्टेप स्टार्ट कर देते हैं, फिर मसले आते हैं, फिर मेरे से पूछते हैं। हाँ, अगर किसी को ये मसला आ भी गया तो इसका एक सिंपल छोटा सा सोल्यूशन मैं आपको क्विक सोल्यूशन बता देता हूँ। इसका सोल्यूशन ये है, आप किसी भी प्रेप सेंटर वाले, आप यूएसए के अंदर हैं या यूके के अंदर हैं, यूएस में है या यूके, आप किसी भी प्रेप सेंटर वाले को बोलेंगे गिफ्ट कार्ड शिप करवा दे, आप अपना वो लेबल उनको दे, वो उस लेबल किसी भी इनवेलप, ऐसे इनवेलप के अंदर डाल के एंड थैंक्स फॉर योर शॉपिंग, योर ऑर्डर इज़ ऑन द वे, ऐसा कुछ लिख के वो शिप करवा दे, वो वाला ऑटोमेटिकली आपका शिप चला जाएगा, ड्रॉप शिपिंग वाला ऑर्डर प्रोसेस कर दें। लेकिन ऐसे ज़्यादा ना कीजिएगा, ये जिनके मसला आ गया वही करें बस। ठीक है, तो ये ड्रॉप शिपिंग की क्विक क्लास है, छोटा सा इंटरव्यू था, छोटी सी वीडियो थी, इंटरव्यू बोल रहा हूँ, तो उम्मीद है आप लोगों को हेल्प आई, हेल्प की होगी इसने। तो इसके अलावा भी कोई मसला हुआ तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा। बाकी ये शॉप जो है इसके ऊपर काफ़ी मेहनत हुई है, उसके बाद ये ऑर्डर हम आउट ऑफ स्टॉक जाना स्टार्ट हुए हैं, टिकटॉक के अंदर बिल्कुल क्विक रिजल्ट्स नहीं आ रहे, 100 में से 10 शॉप्स ऐसी हैं, मतलब 10% ऐसी हैं जो क्विक रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी लर्निंग फेज़ में हम देख रहे हैं कि टिकटॉक एल्गोरिदम क्यों किसी शॉप को बिल्कुल ही धड़ाधड़ ऑर्डर स्टार्ट कर देता है, कैसे वो रैंक हो रही है, किसी की नहीं रैंक हो रही। ठीक है, वो भी इंशाल्लाह टाइम टू टाइम, जैसे हम लर्न फेज़ में हैं
तो आपको अपडेट करते रहेंगे। बाकी अगर आप लोगों ने कुछ सीखा है काम करके तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपने भाइयों के साथ। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप ज्वाइन करके लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और मेरे फेसबुक ग्रुप का लिंक इधर नीचे होगा। अगर आप कोई भी सर्विसेज बाय करना चाहते हैं मेरे से, मेरी वेबसाइट lisadeport LLC.com पे जाके कोई भी सर्विसेज बाय कर सकते हैं, ठीक है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज जुमे का दिन है, दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। दुआओं में ढेर सारा याद रखिएगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब बेशक ना कीजिएगा। अगेन दुरूद शरीफ लाजमी पढ़िएगा। अल्लाह हाफिज़।